मुंब्रा कौसा भागातील पाण्याच्या समस्येवर तत्काळ तोडगा काढण्याचे आदेश ठामपा डॉक्टर विपिन शर्मा यांनी दिले होते। त्यानंतर पाणी पुरवठा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनीही दुसऱ्याच दिवशी कामाला सुरुवात करण्याचे जाहीर केले होते। मात्र 15 दिवसांनंतरही पाणी समस्या निकाली न निघाल्याने नगरसेविका फरजाना शाकिर शेख आणि मर्झिया शानू पठाण यांनी आयुक्त दालना बाहेरच हल्लाबोल केला आहे। पालिका आयुक्तांच्या दालना बाहेरच त्यांनी जवळपास तासभर ठिय्या आंदोलन केले। मुंब्रा प्रभागातील शिवाजीनगर दरगा रोड एमके कंपाउंड दादी कॉलनी तसेच पिंट्या दादा मैदान परिसरामध्ये गेल्या महिनाभर प्रचंड पाणी समस्या भेडसावत आहेत। या भागामध्ये पाणी पुरवठा खंडित होणे, कमी दाबाने पाणी पुरवठा होणे अशा समस्या भेडसावत आहेत। त्यावर तोडगा काढण्यासाठी विरोधी पक्षनेते शानू पठाण यांनी अधिकाऱ्यांसह पाहणी दौरा केला आहे। आप थाने महानगर पालिका में किस समस्या के लिए इस आंदोलन पे उतरी थी और आगे चल के महानगर पालिका ने आपको क्या उसका जवाब दिया है? हम लोग जो है यहाँ पर मुंब्रा कौसा के काफ़ी भागों में पानी की समस्या है, पानी आ ही नहीं रहा है उनको, 15-20 दिनों से बहुत ज़्यादा इशू है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, आज यहाँ पर बैठे थे क्योंकि 15-20 दिनों से वो इश्यूज चल रहा था, जिसकी जो है जो दौरा जो है विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने सिटी इंजीनियर विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने सागर सालुंके सर के साथ पहला दौरा किया था 12 से 2 के दरमियान, जिसमें उन लोगों ने फिगर आउट किया था कि बहुत सारी जो लाइन्स है वो टूटी हुई है, तो उसकी वजह से लाखों लीटर पानी बह रहा है तो लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही बह रहा है पानी पर लोगों को नहीं मिल रहा है वो पानी। तो उसके बाद कमिश्नर सर के साथ अर्जुन आयरे सर के साथ उनकी मीटिंग हुई, ये आश्वासन दिया गया कि कल से काम चालू हो जाएगा पानी का, फिर वो आश्वासन ही रह गया, वो 15-20 दिन होगा अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। तो ये मुझे, हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे थे कि जो कमिश्नर सर उनको सीरियसली नहीं लेते हैं कि यहाँ पर अधिकारी जो सारे हैं ये काम सिर्फ घसीट रहे जा रहे हैं, वो हो ही नहीं पा रहा है काम, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे थे कि जो मेल है पुरुष है जो वो तो काम के लिए बाहर चले जाते हैं, जो महिलाएं हैं बच्चियां हैं वो घर पे हंडा कलची लेके, ये क्या आप बताओ, हम 2021 की एंड हो गई है, 2022 में जा रहे हैं, क्या ये अभी सूट करता है? क्या ये सूट करता है कि बच्चे छोटी छोटी कलसी हंडों में पानी लेके जा रही है ऊपर? अरे बिल्डिंग्स में पानी नहीं है तो चॉल्स में कहाँ से होगा? चॉल्स में नहीं है तो फिर टॉयलेट में पानी कहाँ से रहेगा? ये जो बेसिक नेसेसिटी है जो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो शेम ऑन अस, शेम ऑन टीएमसी देन, अगर हम लोग ये सब नहीं प्रोवाइड कर सकते तो लोगों को बेसिक नेसेसिटी है पानी की, मूल सुविधा। और ऐसा भी नहीं है कि न्यू पानी, अरे आपका ही पानी बह रहा है, आपको उसको सही डायरेक्शन देना है ताकि वो लोगों को पहुंच सके, गटरों में जा रहा है पानी, उससे अच्छा आप लोगों तक पहुंचाइए उसको सही से मॉडलिंग करके। जो वो जो कंपनी है वो कंपनी को 238 करोड़ का जो टेंडर दिया गया था, शायोना कंपनी है वो, उनको जो टेंडर दिया गया था इस रीमॉडलिंग का, वो भी वैसे सही से हुआ नहीं है जैसा बताया गया था, सेंक्शन वो भी हुआ नहीं, उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार है, वो भी प्लीज़ देखा जाए, उसकी भी इंक्वायरी की जाए कि उसको क्या है, उसमें क्या भ्रष्टाचार है, क्या मिलीभगत है, पर प्लीज़ लोगों को उनकी बेसिक नीड प्रोवाइड कर दीजिए। टीएमसी ने क्या अभी आश्वासन किया? अभी उन्होंने ऐसा कहा है कि ये हमारा आश्वासन नहीं है, हमारी प्लानिंग है, हम परसों तक के आपको काम शुरू करके दे देंगे। तो अब हम लोग ये हम ये उम्मीद करते हैं कि वो ये चीज़ करें, और अगर वो ये चीज़ नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम मैंने उनको ये कह भी दिया कि हम महिला के साथ आयुक्त के सामने हमको खड़ा भी, आयुक्त सर के सामने भी हमको खड़ा होना पड़ा, उनकी गाड़ी के सामने हम वो भी करेंगे।